ये कहानी है दो हीरोइनों की जबरदस्त लड़ाई की, अमृता राव और ईशा देओल के बीच हुए जबरदस्त पंगे की। वो पंगा जो साल 2006 में आई फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर हुआ था, और उस पंगे के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अमृता राव के गाल पर ईशा देओल ने एक तमाचा जड़ दिया था, तो कई लोग दावा करते हैं कि ईशा ने अमृता को सिर्फ एक तमाचा ही नहीं जड़ा था। दरअसल उस दिन अमृता और ईशा के बीच जो हुआ था वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था। जब ईशा ने अमृता राव को थप्पड़ मारा तो अमृता ने जवाबी वार करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि ईशा के मुकाबले अमृता फिजिकली काफ़ी दुबली और कद में छोटी थी तो ईशा अमृता पर भारी पड़ गई। ईशा ने अमृता को उस दिन काफ़ी पीटा। सेट पर मौजूद सारा क्रू हैरान था। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन जब अमृता पिटते हुए रोने लगी और उन्होंने खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगी तो क्रू के लोगों ने ईशा देओल की पकड़ से अमृता को छुड़ाया और दोनों को अलग किया। ईशा और अमृता के बीच शुरुआत से ही टसल चल रही थी। बताया जाता है कि ईशा देओल का रवैया दबंगों जैसा था। ईशा हर किसी पर दादागिरी झाड़ती थी और अमृता राव को तो उन्होंने विशेष तौर पर निशाने पर लिया हुआ था। अमृता के कुछ डायलॉग्स तक उन्होंने कटवा दिए थे। कुछ दिनों तक तो अमृता ने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में वो भी ईशा को उनके अंदाज में जवाब देने लगी। एक दिन ईशा ने अमृता के बारे में किसी से कहा कि अमृता उनके मुकाबले गरीब है, लोअर क्लास फैमिली से आती है और एकदम फ्लैट है। अमृता को ये बात बहुत बुरी लगी। इसलिए ज़्यादा बुरी लगी क्योंकि ईशा ने उनके सामने तो ये बातें कही ही थी, बल्कि उनके पीछे क्रू के कुछ लोगों से भी ये बात कही थी। जवाब में अमृता ने भी ईशा के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने ईशा देओल को मोटी कहा। अमृता ने ईशा के फैमिली बैकग्राउंड पर भी कटाक्ष किया। बेसिकली उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिलेशन पर तंज कसा। ईशा को भी अमृता की कई वो बातें पता चली, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मगर एक दिन अमृता ने ये सोचकर ईशा के बारे में टिप्पणी की कि ईशा वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि ईशा वहीं मौजूद थी। वो बस उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। ईशा के बारे में बात चल रही थी और अमृता ने कह दिया कि ईशा को प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिली है, यानी ईशा को माता पिता से सही परवरिश नहीं मिली, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है। अमृता जब ये बोल रही थी तो उन्हें लग रहा था कि ईशा कहीं और गई हुई है, सेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन ईशा वहीं आसपास ही मौजूद थी, इतनी पास कि उन्होंने अमृता की कही वो सारी बातें सुन ली थी। ईशा को काफ़ी गुस्सा आ गया और उनकी और अमृता राव की बहस शुरू हो गई, जो अल्टीमेटली एक गंदी लड़ाई में तब्दील हुई। उस वक्त मीडिया में इस घटना का काफ़ी जिक्र हुआ था। हालांकि मीडिया में तो यही कहा गया था कि ईशा ने अमृता को एक थप्पड़ जड़ दिया है। ईशा देओल ने उस दौरान मीडिया से कहा था कि उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं, मगर सालों बाद यानी 2023 में दिए एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। ईशा ने यह भी दावा किया कि अमृता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांग ली थी और अब उनके रिश्ते सामान्य हैं। लेकिन आज भी ये लड़ाई चर्चाओं का विषय बनी रहती है और लोग इसके बारे में काफ़ी गॉसिप भी करते हैं।